ब्रह्मपुरा की ओर से 2017 में अकेले अकाली दल की सरकार बनाने वाले बयान पर सुखबीर बादल ने दी सफाई, कहा ब्रह्मपुरा ने नहीं दिया कोई ऐसा बयान। डिप्टी सीएम सुखबीर बादल के ड्रीम प्रोजेक्ट, पानी में चलने वाली बसों की तय हुई डेडलाइन, जून में दौड़ेंगी पानी वाली बसें, हरीके से शुरू होने जा रहा है प्रोजेक्ट। सरहद पर आतंकवादियों की नापाक साजिश को देखते हुए प्रशासन का बड़ा फैसला, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक फेंसिंग से 500 से 1000 मीटर तक किसी भी नागरिक हलचल की मनाही, अप्रैल तक लागू रहेगा नियम। कनाडा के पहले सिख रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन पर फिर हुई नस्लीय टिप्पणी, कनाडा की संसद में पूर्व रक्षा मंत्री ने की टिप्पणी, सज्जन पर अंग्रेजी भाषा को लेकर की गई थी टिप्पणी, ओबामा बोले मुस्लिम समुदाय के खिलाफ टिप्पणी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है सिख समुदाय को। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में राहुल गांधी ने की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक, अंबिका सोनी, अशोक तंवर और सुखविंदर सुक्खू भी बैठक में हुए शामिल, राहुल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर का आरोप, हिमाचल प्रदेश में केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं के साथ केंद्र सरकार कर रही है भेदभाव, कौल सिंह के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा सरकार का रवैया रहा है गैर जिम्मेदार। जालंधर में रंजीत मनी चेंजर के दफ्तर में ईडी की रेड, सूत्रों के मुताबिक हवाला नेटवर्क के संबंध में हुई छापेमारी, 1,03,00,000 रुपए की विदेश करेंसी बरामद, होशियारपुर के दसुहा में कुंद्रा फॉरेक्स एक्सचेंज में भी ईडी ने छापेमारी की। पंजाब में नशे की गिरफ्त में बचपन, होशियारपुर में नशे के बंटवारे को लेकर हुए झगड़े में 12 साल के बच्चे ने ली 10 साल के बच्चे की जान। वर्ल्ड T20 और एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने वाली टीम पर ही सेलेक्टर्स का भरोसा, दोनों सीरीज के लिए एक ही टीम, पवन नेगी नया चेहरा। मिनी ओलंपिक के तौर पर जानी जाती किला रायपुर खेलों की हुई शुरुआत, पंजाब की परंपरा और आधुनिक खेलों की जुगलबंदी की देखने को मिलेगी झलक, लेकिन बैलगाड़ियों की दौड़ के शौकीन इस बार भी होंगे मायूस।